What's up guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी. आज हम बात कर रहे हैं ट्राइसेप्स के ऊपर. आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कोई व्लॉग तो है नहीं, फिटनेस वीडियो, तो मैं कार से क्यों शुरू कर रहा हूँ. रीज़न ये कि मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आज, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अब वीडियोज आना बहुत कम होंगे चैनल पे, महीने में दो तीन वीडियोज आते हैं. बिल्कुल सच बात है ये, मैं एग्री करता हूँ. और इसका रीज़न ये है कि भाई अपने चैनल को 4 साल हो चुके हैं, बहुत सारे वीडियोज पड़ चुके हैं, हर एक बॉडी पार्ट कवर हो चुका है, हर एक एंगल कवर हो चुका है. जब तक मुझे कुछ ऐसा नया नहीं मिलता कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करूं जो आपको फ़ायदा होगा, तो मैं वीडियो नहीं बनाता. हाँ, अगर कोई नया चैनल है, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल, तो मैंने ट्राइसेप, शोल्डर, बाइसेप सब कवर किया. ऐसा नहीं उसके पहले उसके ऊपर वीडियोज़ नहीं थे, या गूगल पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तब भी थी. लेकिन मेरे चैनल पे मैंने नहीं बनाया था, तो अब मैं बना चुका हूं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता. डोंट वांट टू मेक रिपीटेटिव कंटेंट. सो ये बहुत बड़ा रीज़न है. तो आई होप आप सब अंडरस्टैंड करेंगे. तो आज कर रहे हैं हम ट्राइसेप्स के ऊपर एक वर्कआउट, तो लेट्स बिगिन. सो गाइस वेलकम बैक. आज हम कर रहे हैं ट्राइसेप का वीडियो. ट्राइसेप के 3 एड्स होते हैं, नाम ही है ट्राइसेप्स. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मसल. बाइसेप्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मसल, दो मसल है बाइसेप में. ट्राइसेप्स में 3 मसल है, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड. जो आपका ये हेड होता है लेटरल हेड, इसको बोलते हैं हॉर्स शू. तो ये बहुत लोगों का अंडर डेवलप रह जाता है, और कुछ लोगों का लॉन्ग हेड. मेरा तो लॉन्ग हेड कम रह गया था, तो मैं उसकी ट्रेनिंग करता था. बट ये वीडियो बेसिकली हॉर्स शू के लिए. जो आप साइड में पोज करते हैं साइड ट्राइसेप, तो आपका हॉर्स शू जज होता है यहाँ से. और बेसिकली मसल पूरी ओवरऑल रहनी चाहिए आपकी डेवलप. ये लॉन्ग हेड शोल्डर के पीछे स्कैपुला में अटैच होता है, लेटरल और मीडियल हेड आपका यहाँ पे अटैच होता है, ऊपर पीछे अटैच नहीं होता. लेकिन जब नीचे आते हैं तो तीनों यहाँ पे बनते हैं, और टेंडन्स और लिगामेंट से बोन में अटैच होते हैं. अभी लोग जब मारते हैं रोप, सीधा सीधा मारते हैं, तो मैंने हमेशा क्या कहा है कि आप पहली बात तो यहाँ पास में खड़े होते हैं लोग. एक सेकेंड यार, ये पूरा लटक गया नीचे. ये बात मैंने पहले बताई हुई है, बट मैं रिवाइज कर देता हूँ. लोग एकदम पास खड़े होते हैं और ये बता देते हैं. तो आपका जो एंगल है, जितना ज़्यादा बनेगा ट्राइसेप, उतना लोड आएगा आपका, ठीक है. सो यू स्टैंड लिटिल फार. अगर आप बेंड करने बेंड कर सकते हैं, फीट बहुत ज़्यादा वेट है तो फीट कर सकते हैं, ऐसे आपकी स्टेबिलिटी आएगी. और बॉडी से दूर रखें इसको, यहाँ मत लाइए, यहाँ लेके आइए. तो एंगल जितना ज़्यादा बनेगा एंड पोजीशन पे ट्राइसेप, उतना लोड आएगा. अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो इस पे तो लोड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ आते ही आपका बोन पे शिफ्ट हो जाएगा, मसल से लोड पूरा तो डेड हो जाएगा. आपको आप देखेंगे कि आप मार रहे हैं, थक गए. उसके बाद यहाँ के आप रेस्ट लेते हैं. आप रेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोड कम है, तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं. कॉन्स्टेंट टेंशन रखो भाई, ये रख रहे हो, थोड़ा थक गए, चीट करना है, रेस्ट कर लिया, फिर गो बैक दें दू. अब आते हैं मेन चीज़ पे जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं. लोग जब रोप से मारते हैं, तो रोप क्यों यूज़ करते हैं और बार क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज हमें हॉर्स शू वाले हेड को आइसोलेट करना है. और वो कैसे हो सकता है? जब आप ये मारेंगे, इसको नीचे ला के खोलना है हमने, तो एक तो मूवमेंट हो गया ये, इसमें आपका सिर्फ लॉन्ग हेड यूज़ हो रहा है. आपको इसमें लेटरल हेड यूज़ करना है, ट्राइसेप हॉर्स शू निकालना है ये. लेकिन लोग इतना हैवी लगा लेते हैं कि उनसे यही मारते रहते हो, आप देखेंगे. और ये नहीं कि नीचे ला के ये करना है, ऊपर से यू हैव टू स्टार्ट स्क्वीज. सेम मिस्टेक लोग करते हैं जब नीचे से मारते हैं ऊपर. लोग उसमें ऐसे नीचे आया था नहीं, पूरा नीचे भी करने का फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि आपने उठाना यहीं से है ना, वो भी तो पूरा नीचे लगा रहे थे, तो ज़्यादा आएगा ट्राइसेप, लेकिन ज़्यादा नहीं आता. तो अगर आप बिहाइंड द नेक या बिहाइंड द बैक, जो भी आप बोलना चाहें, मार रहे हैं, उसमें भी लोग ये मारते हैं, ये ऐसे मारते हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी लगा लेते हैं. बट एक्चुअली इट शुड बी, तो इसमें देखिए मेरा ट्राई लॉन्ग हेड भी एक्सटेंड हो रहा है, इसमें पूरा सिर्फ लॉन्ग हेड काम कर रहा है. लेकिन अगर मैं लेटरल हेड भी काम करना ना, इट शुड गो ऐसे फुल स्क्वीज. पर ये मारते रहेंगे तो इट बिकम्स ईजियर, क्योंकि लॉन्ग हेड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है आपका लॉन्ग हेड. अगर आप देखिए डंबल से मारेंगे, तो उसमें आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते. तो रोप में सिर्फ ये एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज रोप में क्या है, जिसको लगता है एल्बो में, या जिसको टेनिस एल्बो है, टेंडोनाइटिस है, दोज पीपल कैन यूज़ रोप. क्योंकि आप जैसे ही इसको हाथ को दूर करते हैं, आपका यहाँ से स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है. जब आप रॉड से मारते हैं तो आपकी एल्बोज लॉक्ड होती है, वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है. स्ट्रेट रॉड से ज़्यादा प्रेफर करो इजी रॉड. अगर आपके एल्बोज में पेन है, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है यहाँ पे, तो रोप यूज़ करो. और आप स्कल क्रशर मारना बंद कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, स्कल क्रशर एट द एंड ऑफ द वीडियो करो, एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज मारो, क्योंकि उसमें सिर्फ 5-5 लगा के जस्ट पंप के लिए मारो. सिंपल सा वीडियो था. बेसिक पॉइंट क्या है, अपने हाथ को दूर रखना. जब भी आप देख रहे हैं कि फिटिंग हो गए, हाथ पास आ रहे, दैट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस द वेट. और मशीन में क्या एडवांटेज है, आप टक 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 वेट रिड्यूस कर सकते हो. बार में क्या रखोगे, वेट निकालोगे, तो बहुत दिक्कत होती है. बस दैट वाज द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.